भोजन सुरुचि हो, आपके जो नहीं रहे हैं उनका भी सुरुचि का कुछ उसमें होना चाहिए, लेकिन इस भोजन में कुछ चीजें वर्जित हैं, जैसे मूली, जिसका आप सलाद कहते हैं पंडित जी खाइए, जैसे गाजर, जैसे प्याज और लहसुन, ये चार चीजें वैसे तो कायदे से पूरे पितृपक्ष में ही वर्जित हैं, लेकिन मैं कितना कहूं आपसे, एटलीस्ट अ डे ऑफ श्राद्ध, जो आपका श्राद्ध वाला दिन है उस दिन आप इसका निर्वाह जरूर करें। श्राद्ध के भोजन में बैगन उपयोग नहीं होता, जीवन में ध्यान रखें। सात्विक आहार का उपयोग किया जाता है, काली दाल का उपयोग नहीं है, उड़द का उपयोग नहीं है, काले चने का उपयोग नहीं है, काले जीरे का उपयोग नहीं है, काले नमक का उपयोग नहीं है, मसूर का उपयोग नहीं है। क्या कह रहे हो साहब, दही बल्ले कैसे बनेंगे? दही बड़े के बिना श्राद्ध की थाली कैसे सुंदर दिखेगी? इसमें तो उड़द की दाल मना कर दिया आपने, अभी तक तो हम खूब खा रहे थे और खिला रहे थे, लेकिन वर्जित लिख दिया गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। भाई किसी को हम क्या कह सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई शाकाहारी नहीं है, अन्य तरह की चीजें खाता है, तो वह श्राद्ध में बिल्कुल निषेध कर दे, उसके पितर उसके जीवन में उल्टा करने वाले हैं, उसके पितर उससे रुष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें, जब ब्राह्मण देवता भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद बड़े प्रेम से बड़े आनंद से देवतुल्य मानकर आप उनको अपनी जगह से न उठने दें, उनके हस्त प्रक्षालन हाथ वहीं बर्तन में धुलवाएं, और ये निचोड़ने का समय है छोड़ने का नहीं है, उनको वहीं बैठे रहने दीजिए, सब परिवार वहीं पूजन कीजिए, आरती कीजिए, और अगर आपका भाव करे तो प्रदक्षिणा कीजिए। उसके बाद जो आपका सामर्थ्य है, जो आपकी श्रद्धा है, भेंट आदि देकर उन्हें दरवाजे तक विदा करके आइए। ये सारा काम पूरी श्रद्धा से होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं श्राद्ध इति श्रद्धा, श्राद्ध का दर्शन श्रद्धा से है, औपचारिकता से नहीं है। खीर जरूर, खीर इसलिए भी जरूर क्योंकि मैंने कल रात की प्रश्नोत्तरी में भी ये कहा कि खीर तो 16 दिन आप बनाएं, भले इतनी इतनी सी बनाएं, और कटोरी में छत पे जरूर रखें, क्योंकि इस खीर को जब कौआ खाएगा तो यही समय होता है खीर खाकर वो प्रजनन करता है और अंडे देता है खीर से। और कौआ अगर इस प्रकृति में है तो हम हैं, कौआ नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, क्योंकि कौआ ये जितने आप नीम के, पीपल के और बड़ के पेड़ देखते हैं, ये सब कौए की बदौलत है। कौआ उन फलों को खाता है और बीट करके दुनिया भर में गिराता है, कभी आपकी मुंडेर पे भी गिराता है, और वो वहां से पीपल और बड़ निकलता है। पीपल 100% ऑक्सीजन देता है, बड़ नीम 80-80% ऑक्सीजन देते हैं, और इनके वजह से हमारा जीवन है, और इनको पैदा करने वाला वो कौआ है। अभी मैं ये नहीं कह रहा वो आपका पितर है ये वो, मैं बाद की बात करूंगा, मैं तो अभी सीधी बात कर रहा हूं, हमारे और आपको जीवन वो कौआ दे रहा है, विचार कीजिए। इसलिए इन 16 दिनों में, क्योंकि यही उसका प्रजनन का समय, के बाद वो प्रजनन करते हैं तब वो अंडे देता है, या जो भी वो खीर से ही होता है, इसलिए उसको खीर दी जाती है, वो उसके लिए योग है, वो उसके लिए योग है। बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में कर सकती हैं अगर आप थोड़ा सा भी इस पर फोकस कर लें, थोड़ा सा फोकस कर लें, और थोड़ा सा कर लिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ हो सकता है। अगर ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं
और उसी शहर में, उसी नगर, उसी ग्राम में आपकी बेटी रहती है, तो जो भांजा और भांजी हैं उसको भी भोजन कराएं, और उसको भोजन कराने का फल भी ब्राह्मण देवता को भोजन कराने का माना जाता है। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडित जी को नहीं बुलाएंगे, दैट इज फॉर ऑप्शन, वो ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहले लिखा है ब्राह्मण भोजन, साथ में उसको दो, उसको भी भोजन कराएं, लेकिन दोनों को कराएं, एक की चर्चा नहीं है। नहीं पता पड़ा कि ये क्या कर दिया, ये तो ठीक है, परहेज क्या करें, नए वस्त्र न सिलवाएं न खरीदें, अपने लिए दान करने के लिए आप ले सकते हैं, भेंटा करने के लिए आप ले सकते हैं, स्वयं के लिए नहीं, किसी मकान की रजिस्ट्री या खरीदी आप नहीं करेंगे, इस तरह का कोई आप काम नहीं करेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, इस तरह का कोई आप काम नहीं करेंगे, नई चीजों से आप परहेज करेंगे, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि साबुन शैंपू तक उपयोग करने के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं कितना कहूंगा और कितना हो पाएगा, सो इन चीजों का ध्यान रखें।